नमस्कार। देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र के आशीर्वाद दाताओं को प्रणाम करता हूँ। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोरोना वायरस महामारी के संकट के कारण जो लॉकडाउन घोषित किया गया है, वो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए अति आवश्यक है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब से लॉकडाउन की घोषणा की है, तब से मैं निरंतर अपने घर पर ही हूं। घर पर रहते हुए मुझे संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र से अनेक कार्यकर्ताओं के, अनेक आशीर्वाददाताओं के फोन आए। मैंने यथासंभव फोन पर ही उनकी समस्या का निराकरण करने की कोशिश की है। कोरोना वायरस महामारी के संकट से हम सबको मिलकर लड़ना है। ये ऐसा संकट का समय है जो हमारे धैर्य और संयम की अग्नि परीक्षा लेने के लिए खड़ा हुआ है। हम सब इस संकट की घड़ी में अपने घरों में रहकर अपना 100% योगदान दे सकते हैं। मैं अपने संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र के कलेक्टर साहब, एसपी साहब के निरंतर संपर्क में हूं। जिला प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान के मार्गदर्शन में अपने सार्थक प्रयास कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए निरंतर कर रहा है। लोकसभा क्षेत्र में कार्यरत कलेक्टर साहब, एसपी साहब, प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी, पुलिस के अधिकारी कर्मचारी, हमारे सम्मानी डॉक्टर्स, हमारी सम्मानी सिस्टर नर्स, हमारे सम्मानी सफाईकर्मी, हमारा स्टाफ लगातार इस विषम परिस्थिति में भी देश की सेवा में लगा हुआ है, पूरे समर्पण भाव के साथ लगा हुआ है। मैं इन सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनके प्रति धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि ऐसी विषम परिस्थिति में वो देश के साथ में खड़े हुए हैं और अपना अमूल्य योगदान प्रदान कर रहे हैं। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि हे ईश्वर, इन सभी को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा कर रखना, इनकी रक्षा करना, जिससे कि ये देश के कार्य में इसी प्रकार से लगे रहें। देश में आई विपत्ति को देखते हुए मैंने अपनी सांसद निधि से 1 करोड़ रुपए की राशि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में जमा करवा दी है। साथ ही मुझे भारत सरकार की ओर से मिलने वाला मूल वेतन 1 लाख रुपया भी मैंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में जमा करवा दिया है। मैं आप सबसे भी विनम्र अपील करता हूं कि आप सब भी अपने सामर्थ्य अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, मुख्यमंत्री राहत कोष में राशि जमा कराएं, जिससे कि कोरोना वायरस के संकट से हम सब मिलकर लड़ सकें और कोरोना वायरस को हरा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।